तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के द्वारा चाइना को एक साफ संदेश दिया गया है कि तुमने दक्षिण चीन सागर के अंदर जो किया सो किया, वैसा ही काम हिंद महासागर के अंदर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दरअसल आप सभी को पता है कि चाइना दुनिया में अपने ताकत के दम पर दूसरे कमजोर देशों को दबाता है और उनकी जमीन हड़प लेता है, और आजकल चाइना इंडो पैसिफिक के अंदर अपने पैर पसारने के बारे में विचार कर रहा है और भारत के हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जिसको लेकर भारत के डिप्टी एनएसए ने सांगरीला डायलॉग के अंदर चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि चाइना ने दक्षिण चीन सागर के अंदर जो किया सो किया, परंतु ऐसा काम हिंद महासागर के अंदर करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हिंद महासागर यहां के सारे देशों का है। दरअसल आप सभी को मैप के माध्यम से मैं पूरा विवाद समझाता हूं, और स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख रहे हो, यह है हमारा प्यारा भारत, और भारत के दाहिने साइड है चाइना, और चाइना के बिल्कुल नीचे पड़ता है दक्षिण चीन सागर, और इस पूरे दक्षिण चीन सागर को चाइना अपना मानता है, जबकि यूनाइटेड नेशन के नियम कानून कहते हैं कि किसी भी देश की सीमा यदि समुद्री सीमा से मिलती है तो उस देश के 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर तक का जो समुद्री एरिया है वो इस देश का स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है। परंतु 9 डैश लाइन के माध्यम से चाइना पूरे दक्षिण चीन सागर के अंदर अपना दावा ठोकता है, और आजकल इंडियन ओशन में भी चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसको रोकने के लिए भारत के डिप्टी एनएसए की तरफ से चीन को चेतावनी दी गई है कि जो पूरा हिंद महासागर है वो हिंद महासागर में उपस्थित सारे देशों का एरिया है, और इसमें चीन किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना करे। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है, और भारत के डिप्टी एनएसए ने सांगरीला डायलॉग के अंदर चीन को जो चेतावनी दी है वो क्या भारत का सही कदम है? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।